अब खड़े होकर जो चलने लगे तो कभी कभी गायों के साथ खेलने लग जाते हैं, कभी बछड़ों के साथ खेलने लग जाते हैं, कभी बंदरों के साथ खेलने लग जाते हैं। बड़ी सुंदर मधुर लीलाएं हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा के यहां सुंदर लीलाएं लाला कर रहे हैं। वसुदेव जी चिंतित हैं, मेरे लालाओं का ना जाने क्या नाम रखा गया होगा। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, देखो सभी लालाओं का नामकरण तुमने ही किया है, हमारे परिवार के हमारे कुल के सभी संस्कार आपके द्वारा होते हुए आए हैं, कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, तो हमारे लाला का नामकरण आप करिए। तो गर्गाचार्य जी जानते हैं कि रोहिणी नंदन तो वसुदेव जी का है। बोले रोहिणी नंदन तो है ही, पर इस समय जो यशोदा नंदन बन के लीला कर रहा है वह भी मेरा लाला है, कैसे कैसे भेजा है वो सारी बात कही। गर्गाचार्य जी तो आनंद विभोर हो गए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कब से कि मेरे प्रभु कब पधारेंगे, मन में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पुरोहिताई ही इसी लोभ में कर रहा था कि दुनिया की पुरोहिताई करते करते एक दिन मुझे जगत के परमात्मा, जगत के पिता उस परमात्मा का नामकरण आदि करने का अवसर मिलेगा। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न होकर गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने खूब सत्कार किया और कहा कि आप तो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण तो सबके गुरु होते हैं। तम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि वालयो रयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु है, इस नाते आप हमारे भी गुरु हुए, आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब आए तो नामकरण करने, लेकिन मना कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। अरे बोले जब से आकाशवाणी सुनी है वो कंस बड़ा भयभीत रहता है और बड़ा दुष्ट भी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूं और कंस ये समझे कि कहीं ये वसुदेव जी के बेटे तो नहीं है, क्योंकि मैं यादवों का कुल पुरोहित हूं। यदुनाम हमाचार्या कृता तश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम जब भी कोई उत्सव करते हो तो बड़ा जोर का उत्सव होता है और बात कंस तक पहुंच जाएगी। नंद बाबा बोले हम इतनी गुप्त रीति से नामकरण करेंगे कि किसी को नहीं कहेंगे। बड़ी गुप्त रीति से गौशाला में नामकरण हुआ है। पहले रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए कहा कि इसमें बल की बहुत अधिकता होगी, ये बहुत बलवान है, इसके लिए इसका नाम होगा बलभद्र, बलराम, शंकरसन आदि अनेक नाम होंगे। और ये छोटा वाला जो है हर युग में आता है और इस बार यह टेढ़ा बन करके आया है। इसके सब काम टेढ़े हैं, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़े, इसकी बातें भी टेढ़ी, इसलिए इस बार इसका नाम भी मैं टेढ़ा ही रखूंगा और ऐसा नाम रख दिया कृष्ण। अब कृष्ण में नीचे जो रा लगता है वो क्र टेढ़ा है, हर कोई तो बोल नहीं पाता, शुद्ध कृष्ण नहीं बोल पाते लोग। पंजाब में इधर जाओ तो वहां तो किसान ही कहते हैं, कृष्ण लोग कम ही कहते हैं। तो ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया और बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा, इनकी और भी अनेक अनेक नाम होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि चासु तस्यते गुणकर्माण रूपाणि तान्यं वेद नो जना। नामकरण होते ही देवताओं ने जय जयकार की है, पुष्प वृष्टि की है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्गाचार्य जी कहने लगे,
मैया तेरा यह लाला साक्षात नारायण, इतना ही कह पाए। वो कहना तो चाहते थे नारायण के नारायण ही है, पर गोद में कन्हैया है, उन्होंने बाबा की दाढ़ी के बाल खींचे। बाबा क्या रहस्य खोल दोगे? बाबा ने बात पलट दी और कहा साक्षात नारायण के समान गुण वाला है। नारायण समो गुणई।